पश्चिम बंगाल के जिला अलीपुरद्वार ब्लॉक कालचीनी में एडवंटी खड़िया अपने तीन बच्चों के साथ 12 साल से एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। राज्य सरकार की गीतांजलि आवास योजना और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना इसके सिर में छत नहीं दे पा रही है। ये मात्र अकेले नहीं, ऐसे और चार परिवार इस अमानवीय हालत में रहने को मजबूर है। पानी का जी आवेल घर दुरा में पानी ढुक जाए, प्लास्टिक का भी पानी आयल उड़िया जाए, डिबरे जलाए के सुतो कारण नहीं भितरा हो, कारण भितरा बो हो रहा है भी जाएल जे कि का कुछ मिट रहा हूँ मुझे दिशना पटिया भीन जाए एक दुरा जा एक दुरा दिन जाए कि हमें खड़ खड़ फाजिर हो गया खड़े खड़े फाजिर हो जाएगा बिहान पानी छोड़ के खाना बनाईला। एडवंटी खड़िया अपने तीन बच्चों के साथ भात खवा चा बगान के गोदाम लेन में रहती है। रहने योग्य घर नहीं होने के कारण इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी पूरा ढुकत रहे, टिशना तो उपल जात रहे, तो सुतबे का नहीं, छो तक सुताबे का नहीं। बरसात के दिनों में पानी तथा अन्य जहरीले जंतु जैसे सांप बिच्छू आदि घर में घुस जाते हैं। सरकार के बड़े बड़े दावों और योजनाओं के बावजूद ये एक सम्मानजनक आवास से वंचित है। मैं चाहूँ और मैं छो पता के चैन से राखी खाला चाहूँ। वीडियो देख रहे समस्त दर्शकों से नम्र निवेदन है, एडवांटी खड़िया और ऐसे हाल में चार परिवार जो इस अमानवीय हालत से रहने को मजबूर हैं उन्हें जल्द से जल्द घर दिया जाए, इसके लिए आवेदन करें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलीपुर द्वार श्री देवी प्रसाद कारनाम, नंबर है 8170063474 नंबर में। मैं हरिहर नागबंशी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।